जेंगो के इस ई कॉमर्स वाले प्रोजेक्ट में हम लोगों ने पेमेंट तक का काम किया था, जिसमें हम लोग का स्टेटस ऑर्डर से ऑर्डर हो रहा था। तो जैसे कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करें या ऑनलाइन पेमेंट पे, कोई भी स्थिति में ये जो मेक पेमेंट वाला फंक्शन बनाए थे उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जब हम लोग का ऑर्डर मिल जाएगा, एक मिनट, चेकआउट ऐड इन्फॉर्मेशन मेक पेमेंट, इसमें स्टेटस ट्रू किया था। इसमें एक बात और करना था, वो ये था कि हम लोग ऑर्डर आइटम सबको भी ट्रू करते हैं, तो वो कर लेते हैं। ऑर्डर आइटम इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट ऑर्डर डॉट, एक मिनट मुझे मॉडल देखना पड़ेगा। एक बार मॉडल ये था कि हमारे ऑर्डर से अगर इसको एक्सेस करेंगे तो आइटम्स नाम से, हाँ ठीक है, तो ऑर्डर डॉट आइटम्स डॉट ऑल, तो इससे क्या हुआ, सारा ऑर्डर आइटम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक एक आइटम लेंगे और सब एक एक आइटम को इज ऑर्डर, जो उसका एक कॉलम है उसको ट्रू करेंगे और फिर उस आइटम को सेव करेंगे। तो इससे क्या होगा, जितना भी लूप चलाकर जितना भी उसका ऑर्डर आइटम होगा उसको सेव कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये ऑर्डर इज ऑर्डर नहीं, ऑर्डर है यहाँ पे, और ऑर्डर आइटम में क्या था, ऑर्डर यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे इज ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर है ये। तो पता ये चला कि हम लोग पहले ऑर्डर आइटम को बुला लिए सारा का सारा, फिर हम लोग लूप चलाए और सारा को ट्रू करके सेव कर दिए। तो अभी इस बार जो अभी हम एडमिन पैनल को खोल के देखेंगे तो हमको दो जगह पे चेंज आना चाहिए। देखो हम क्या करते हैं, एडमिन पैनल से एक भी ऑर्डर नहीं रखेंगे और एक भी ऑर्डर आइटम नहीं रखेंगे, सब डिलीट मार देते हैं। ठीक, डिलीट। तो देखो ना ऑर्डर है ना, अच्छा ये ऑर्डर आइटम है, इसको डिलीट मार देते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर भी पूरा खाली, ऑर्डर आइटम भी खाली, तो इसकी वजह से यहाँ से कार्ट खाली हो गया होगा। देखो नहीं है, अगर हम इसमें से दो आइटम ऐड करते हैं, एक तो क्लिनिक प्लस आइटम हो गया, इसको ऐड कर रहे हैं, दूसरा जो आइटम है दूसरा प्रोडक्ट ऐड करते हैं, मान लो ये लावा, तो मेरे पास प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट हो गया, एक ये और एक ये। तो जब हम इसका चेकआउट करेंगे और एड्रेस ले करके डिलीवर करेंगे और मेक पेमेंट कर देंगे, तो इससे मेरा ऑर्डर टेबल में जो डेटा आता है वो तो ट्रू हो गया ये। इसी के साथ साथ उसके ऑर्डर के आइटम दोनों भी ट्रू हो जाने चाहिए। तो अगर हो गया होगा तो काम हो गया, देखो हो गया। बैक आओ, दूसरा वाला आइटम चेक करो, यानी ऑर्डर का पेमेंट होने का मतलब है वो टिक लगना, और उसके अंदर जो आइटम्स है वो भी टिक लग रहा है, इसका मतलब उसका भी पेमेंट हो गया। तो ये एकदम परफेक्ट बन गया यहाँ पर। अब हम लोगों को इसके बाद माय ऑर्डर का पेज पे काम करना है, क्योंकि कार्ट का काम ख़त्म हो गया, कार्ट खाली हो चुका है। तो मैंने सामान खरीद लिया मान लो, तो अब सामान जब खरीद लिया है तो एक अच्छा सा मैसेज होना चाहिए सक्सेसफुल का, और उसके बाद जो है माय ऑर्डर का पेज होना चाहिए। तो सक्सेसफुल का पेज के लिए ऑर्डर डैश सक्सेस नाम का एक पेज बनाते हैं। ठीक है, ऑर्डर डॉट सक्सेस डैश HTML, और इसमें एक्सटेंज कर लेंगे पब्लिक पैनल स्लैश लेआउट डॉट HTML ब्लॉक कंटेंट। अब यहाँ डिज़ाइन इसको कर लेते हैं HTML, देखो HTML हो गया ये, फ्लिक्स फ्लिक्स डैश वन, और इसका पूरा बैकग्राउंड कलर BG डैश सक्सेस। ठीक है, और इसके अलावा H-9080VH, अच्छा खासा हाइट होगा, और यहाँ पे लिखा रहेगा ऑर्डर प्लेस्ड, और ये क्लास लगाकर इसमें लगा देंगे हम टेक्स्ट डैश 3XL फॉन्ट डैश बोल्ड,
और चूंकि बीच में लाइन रहती है यहाँ जस्टिफाई सेंटर, इसके आइटम सेंटर, तो ये जो पेज होगा सक्सेस का कहाँ दिखेगा, तो इसके दिखाने के लिए पहले व्यू में इसका एक फंक्शन बनाते हैं। मेक पेमेंट है एडमिन पैनल के आने से पहले, कमेंट देख लो कहाँ पे है, डिफ और इसके बाद लिखेंगे ऑर्डर प्लेस्ड, ठीक है, रिक्वेस्ट, और ये रिटर्न करेगा रेंडर रिक्वेस्ट को, और यहाँ पर पब्लिक अंडरस्कोर पैनल स्लैश सक्सेस नहीं ऑर्डर डैश सक्सेस डॉट एस टी एम एल। इसका एक URL ही बनेगा तभी तो ये एक्सेस हो पाएगा, तो URL है यहाँ पर कार्ड की तरह, तो हम लिखेंगे ऑर्डर स्लैश सक्सेस स्लैश ऑर्डर स्लैश सक्सेस, ठीक है, ये फंक्शन, ये पब्लिक डॉट ऑर्डर डॉट सक्सेस ये नाम होगा। तो सब कुछ बन के तैयार हो गया, कितना सरल राउट बन गया, देखो सब कुछ बन के तैयार हो गया। तो हम लोग स्लैश यहाँ पे ऑर्डर स्लैश सक्सेस लगाकर हम वो पेज को देख सकते हैं। बीजी मैंने इसमें ग्रीन किया था लेकिन वो काम नहीं किया, अच्छा सक्सेस लिख दिया, बीजी डैश ग्रीन डैश 700, ठीक है। तो ऑर्डर जो प्लेस हो रहा है उसका टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं, और जो 3XL उसको 5XL कर देते हैं, ठीक है। अब ये ऑर्डर प्लेस होने का जो वो है टेक्स्ट है, उसके जस्ट बाद हम लोग जाते हैं टेलविंड के फ्लो बीट के आइकन के पास, इसके पास बहुत बढ़िया बढ़िया आइकन है, और यहाँ पर चेक यानी कि टिक लगाना वाला कोई एक यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद इसके जस्ट नीचे एक डिव बनाते हैं, और उस डिव का जो भी क्लास तुम रखना चाहो फ्लेक्स हम रख लेते हैं, और SVG उसके अंदर डाल देते हैं। अब फिर इसको चेक करो इस पेज में कहाँ दिख रहा है, यहाँ, ठीक है, ये नीचे दिखना चाहिए, इसलिए हम इसको यहाँ पर फ्लेक्स डैश कॉल लगा देंगे, गैप देने के लिए 4-5 दे देंगे। ये जो साइज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है 6, तो इसके शॉर्टकट जो साइज़ तुमको कितना देना है वो बता, 48, ठीक है, तो इसी तरह से हम 32 और 26 नहीं 28, ठीक है। अब जो इसका टेक्स्ट कलर ग्रे है इसको भी वाइट, ये डार्क वर्जन वाला मामला भी हटाओ, देखो अब ये ऑर्डर प्लेस और ये वाला टिक लगा हुआ है, तो जो टिक लगा हुआ चीज़ है उसको एनिमेट कर सकते हैं, एनिमेट डैश पल्स, देखो बाउंस, देखो ठीक है, तो इस तरह से कुछ एनिमेशन डाल सकते हो, या फिर रोटेट हो सकता है, स्पिन हो सकता है, देखो इस तरह से कुछ भी यहाँ पे एनिमेट लगा के थोड़ा सा इसको बेहतरीन कर देते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि हम लोग थोड़ा सा फायर वर्क निकालते हैं, फायर वर्क इन HTML CSS पेज, तो कोई फायर वर्क का एनिमेशन डालते हैं, फायर वर्क मतलब ऐसे कुछ चिंगारी जैसा उड़ने वाला, जैसे तुम एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे, देखो ठीक है। तो इसका HTML पार्ट में क्या है, जितना भी फायर वर्क का डिप बनाओगे उतना फायर वर्क का डिप बनेगा, और तुम कहीं पे भी इसको डाल सकते हो, मतलब हम यहाँ डालते हैं, ठीक है। तो 3 डाला है, फायर वर्क क्लास लिखा हुआ है, इसका CSS पार्ट क्या है, यहाँ से कोड उठाओ CSS, और देखो तुम फायर वर्क का यहाँ पे CSS है ना, बिफोर आफ्टर, और ये पूरा CSS है भरा हुआ, ठीक है। तो तुमको सब कॉपी पेस्ट कर लेना, लिखने आना है, और उसके बाद तुम अपने लेआउट डॉट CSS के पास जाओगे, और यहाँ पर एक ब्लॉक बनाओगे, ब्लॉक, उस ब्लॉक का नाम रखोगे स्टाइल। तो ये जो ब्लॉक बना है स्टाइल, इसका एक लाइन में ला देते हैं, जैसे हम लोग कंटेंट बनाते हैं वैसे ही, और यहाँ आने के बाद
इस सेक्शन में यहाँ पे एक और नया ब्लॉग जनरेट करोगे, इसका नाम होगा स्टाइल ऑफ कोर्स, और उसके अंदर में स्टाइल टैग लगाओगे और यहाँ चिपका दोगे, यानी सारा कोड, और चेक करोगे अपना पेज तो उसमें भी ये चीज़ हो गया। ठीक है, मज़ा आ जाएगा देख के। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर सक्सेस का जो पेज है इसमें जो स्टाइल का काम हुआ है, ये CSS पार्ट खाली कॉपी पेस्ट किया हम, और ये 5x3 दिख रहा है तुमको, इसको 6 कर दो, थोड़ा फटाखा बजे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, 3 ही एक बार में आएगा। देखो पोजीशन अलग अलग होना चाहिए ना, तो ये काफ़ी रहेगा। अब जो है ना, ये एनिमेशन जो हम दिए थे इसका कोई ज़रूरत नहीं, और ये एनिमेशन मेरे टिक ऑर्डर प्लेस जो टेक्स्ट लिखा हुआ उससे ऊपर होना चाहिए, देखो। ठीक है, ठीक है, ये जो आ रहा है ये स्क्रॉल डाउन होने की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो तुम यहाँ पर एक मैसेज लिख सकते हो कि ओवरफ्लो हिडन, नहीं इसलिए फायरवर्क का जो CSS है उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, अगर इसको सुधारना है तो। इनिशियली फायरवर्क का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये रेडियल ग्रेडियंट नहीं, सिर्फ फायरवर्क, आफ्टर बिफोर, ठीक है ऐसे भी चलेगा। ये जो हाइट डाला ना ये 100 VH कर दो। अब स्क्रॉल डाउन पहले से रहेगा और कोई हिला डुला नहीं होगा। ठीक है, तो हो गया आपका काम, ये एनिमेशन जो है आपको थोड़ा सा मज़ेदार तरीके से अच्छा दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ बनाएंगे, एक बढ़िया सा मैसेज दे देंगे, और फिर ऑर्डर माय ऑर्डर में जाने का जगह, योर ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली, इससे आगे थोड़ा लिखते हैं पेमेंट, नहीं सक्सेसफुली, ठीक है, एक्स क्लिक ऑन माय ऑर्डर बटन टू सी योर ऑर्डर बिलो, इस तरह का कोई मैसेज डाल सकते हैं जो यहाँ पे टेक्स्ट के तौर पे दिखेगा। इसका जो साइज़ वगैरह है, कलर वगैरह है, उस पर काम कर सकते हैं, टेक्स्ट डैस लेटी डैस 100, ठीक है, और उसके बाद एक नीचे बटन जो कि तुमको लेके जाएगा क्लास बीजी डैस। अब तुम इसके ऊपर लिख दो रेड कलर का, अगर बना रहे हो तो रेड कलर, टेक्स्ट डैस वाइट, PX3 PY2, और लिखा होगा माई ऑर्डर लिस्ट। तो ये एक टेक्स्ट है, एक मैसेज है, तो उसे क्लिक करके अपने ऑर्डर लिस्ट के बटन पे जा सकते हैं। शेडो डैश LG, राउंडेड डैश LG, और ये देखो देखो, ठीक है, तो उस पर क्लिक करने से हम लोग पहुंच जाएंगे अपनी जगह पे। तो ठीक ठाक लग रहा है ऑर्डर का पेज, प्लेस्ड ऑर्डर हो गया सक्सेसफुली, इसका मैसेज का पेज, और यहाँ से क्लिक करके माय ऑर्डर का पेज, तो माय ऑर्डर का पेज तो है नहीं, बनाना पड़ेगा। तो जैसे कार्ट का पेज होता है वैसे माय ऑर्डर का पेज भी होता है, वो लॉगिन किए हुए बंदे को दिखाना है, मतलब जो लॉगिन किया हुआ बंदा उसको ऑर्डर अपना दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो एक पेज बनाएंगे अलग से और उसका नाम रखेंगे myorder.html, और कार्ट की तरह ही होगा इसलिए हम कार्ट का ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कार्ट की तो कॉपी पेस्ट हो गया, और तब तक इसका व्यू पेज वगैरह सब बना लेते हैं। ऑर्डर प्लेस के बाद यहाँ पे एक और फंक्शन माई ऑर्डर रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे पब्लिक पैनल
स्लैश माई ऑर्डर डॉट एच टी एम एल, और इसमें क्या पास करना है, तो डाटा ऑर्डर पास करना है। जैसे ये ऑर्डर सब था, बस अंतर ये होगा इस ऑर्डर में और इस ऑर्डर में कि इस ऑर्डर का मतलब होता है जिसका ऑर्डर ट्रू हो, ना कि फॉल्स। फॉल्स वाला काट में दिखेगा, और ये ऑर्डर डाटा वेरिएबल को पास कर देगा, ये वाला वेरिएबल डाटा। परफेक्ट, सब कुछ ठीक है। और ये जो ऑर्डर है इसको डाटा के अंदर एज ए की रख लेंगे ताकि ये डाटा के साथ चला जाए। परफेक्ट, ठीक है। यूआरएल में आ गए और यहाँ लिखेंगे यूज़र स्लैश ऑर्डर, ये तो कुछ भी लिख सकते हो, माई ऑर्डर यूज़र डॉट ऑर्डर, ठीक है। तो मेरे पास है ये राउट जिससे इसमें भेजना है, इसको नाम है यूज़र डॉट ऑर्डर, और जो सक्सेस का पेज है, ये सक्सेस का पेज है, इसमें लिंक करना है कर्ली ब्रैकेट URL, और ये डाल दिया, लिंक हो गया। एक बात और है, जब पेमेंट हो जाएगा कैश ऑन डिलीवरी से या ऑनलाइन से, तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो रिडायरेक्ट होता है वो चेकआउट में होता है, अब ऑर्डर प्लेस में होगा, यानी इस जगह पे सक्सेस का मैसेज दिखाने के लिए होगा। हो गया काम। अब शुरू से एक बार रिदम देख लो कैसे काम कर रहा है। होम पेज, अच्छा सॉरी कुछ एरर है क्या, देखो ये मैं सामान खरीद रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं चेकआउट करता हूँ, मेरे पास कूपन ऊपन नहीं है, मैं ये ऑर्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ, कैश ऑन डिलीवरी, सीधा सक्सेस का मैसेज। ए भाई क्या हुआ, मेक पेमेंट तो आ गया। ओहो, ये सब ऑर्डर ऑर्डर सेव हो जाए, उसके बाद रिडायरेक्ट का तो बात लिख पे नहीं किया, यहाँ पे एक तो रिडायरेक्ट भी होगा, क्या है होगा, क्योंकि जहाँ सारा चीज़ सक्सेस हो जाए उसके बाद ये हो जाए, तो ये बात तो ध्यान नहीं से उतरिए। अब ऑर्डर तो है ही नहीं, शुरू से फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ क्लिक करना, वापस से जाते हैं, एक नया आइटम लेते हैं, चेकआउट करते हैं, पुराना एड्रेस को यूज़ करते हैं, और ये देखो, ठीक है, तो ऑर्डर प्लेस का मैसेज आ गया, और माई ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद हमको पे चाहिए, तो अभी तो बचा हुआ मामला, ठीक है, थोड़ा सा भी मेहनत बचा हुआ है। तो एक चीज़ दो चीज़ एक पॉइंट दो पॉइंट पे है कि अभी हम लोग को थोड़ा काम करना होगा कि रिडायरेक्ट वाला तो काम हो गया, ऑर्डर प्लेस हो जाए। अच्छा ये यहाँ पर चेकआउट में ही रहे, यहाँ सही था, हम लोग को जब इंसर्ट ना हो पाए तो चेकआउट में ही रहे, मतलब जब एड्रेस ना हो तो ऑर्डर में, तो कंडीशन सही है, यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है, लॉजिकली काम का परफेक्ट। हम कोई भी चूज़ करेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ ऑर्डर प्लेस का मैसेज दे देगा। तो अब हमको माय ऑर्डर का पेज को डिज़ाइन सही से करना होगा, ठीक है, तो माय ऑर्डर का पेज का डिज़ाइन जल्दी से कर लेते हैं, आज का काम यही रहे। माय ऑर्डर का पेज ये है, और माय ऑर्डर इज़ एम्प्टी ऐसा आएगा, ऑर्डर इज़ एम्प्टी, यू डू नॉट हैव एनी ऑर्डर, मैसेज चेंज कर रहे हैं, प्लेस फर्स्ट ऑर्डर नाउ, ठीक है, उसके बाद ये होम पेज पे जाने का बटन, ठीक है, तो ये एल्स का पार्ट एकदम डिज़ाइन कर लिया उसके अकॉर्डिंग। लो इसमें कोई गलती क्या, देखो डिव जो है अंदर और बाहर का डिफरेंस, खैर तो अभी क्या है कि इसको डिज़ाइन थोड़ा करना होगा, माई ऑर्डर लिखना होगा इसको, एक्सप्लोर माई ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट ये टाइटल हो गया, ऑरेंज कलर की जगह पे इसको यूज़ करते हैं टिल कलर, और ये ऑर्डर का लिस्ट स्लैश यूज़र स्लैश ऑर्डर से आएगा। अभी तो एरर होगा, देखो ये बता रहा है कि आपके पास चार डेटा आ रहा है और आप गेट डेटा चला रहे हो, यानी चार डेटा मैच करना आपको, चलिए कोई बात नहीं, सब देखते हैं। तो जब हम लोगों का इसका कंडीशन बना था तो इसमें हम लोग क्या यूज़ किए, गेट यूज़ किए, लेकिन एक ऑर्डर तो होता नहीं है, तो जो गेट होता है वो एक ऑर्डर के लिए होगा, तो हम यहाँ लगाएंगे फिल्टर, तो काम हो गया।
अब क्या है कि ये वाला सेक्शन हटा देना पूरा, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम कॉपी पेस्ट किए थे ना तो उसके अकॉर्डिंग ही आ गया। तो ये वाला एट का सेक्शन जो है, ये फोर का सेक्शन है, तो फोर का अपने को नहीं चाहिए, हटा दो। और जो एट का है उसको हम लोग अपना पूरा फुल बता दो, यानी पूरा एरिया ले लेगा। ठीक है, अब आ क्यों नहीं रहा है सुनो ध्यान से। इफ़ ऑर्डर, अगर ऑर्डर है तो अंदर आओ, अंदर आने के बाद मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेटाइज करना चाह रहा था बट है नहीं, चलो ठीक है। अंदर आओ और इस ऑर्डर फुल को, ये वाला जो फुल है इसके अंदर ये वाला पार्ट से ऊपर, यानी यहाँ पे एक तो फोर लूप चलेगा, और ये फोर लूप क्या चीज़ का चलेगा, ऑर्डर इन। अच्छा एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक तो आ नहीं रहा तो इसको नाम ऑर्डर्स कर देते हैं, तो इससे क्या हुआ प्लुरल फॉर्म हो गया। और जब यहाँ पे इफ़ ऑर्डर्स लिखा हुआ है तो ऑर्डर की जगह ऑर्डर्स कर देंगे, ऑर्डर इन, ठीक है, ऑर्डर्स ऐसे, तो सिंगुलर प्लुरल। और इसका जो बंद होता है ये पूरा इस डिव के बंद होने के बाद कर दो, यानी पूरा एरिया घेर दो, दैट्स इट। तो अब तुम्हारा ये लूप की तरह चलेगा, देखो सारा ऑर्डर आ गया। अब ऑर्डर का जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा दिखाना है, तो इस लूप चलने से पहले ऑर्डर का आईडी, उसका नाम वगैरह सब दिखा सकते हो। तो ऊपर में दिखा रहे हैं, देखो ऑर्डर का डेट, इसका ऑर्डर का डेट, ये सब ऑर्डर अलग अलग हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको दिखाएंगे आईडी, ये ऑर्डर आईडी है देखो, ठीक है, सही से जनरेट करना पड़ेगा। और ऑर्डर का डेट, ये ऑर्डर डेट तो शायद हम लोग स्टोर किए हैं कि नहीं किए पता नहीं, अच्छा देख लेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे क्या चल रहा है, अगर देखो पहले ये इफ एल्स देख लो, अगर ऑर्डर है तो ये काम करेगा, नहीं है तो ये काम करेगा। अब है तो क्या हुआ, अंदर आए और इसके बाद लूप चलाए ऑर्डर का, क्योंकि एक अकेला ऑर्डर नहीं, कार्ट में तो एक ही अकेला ऑर्डर होता है, यहाँ पे तो बहुत सारा ऑर्डर होगा, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर का भी लूप चलाए और लूप के अंदर लूप चलाए, लूप के अंदर लूप, हर ऑर्डर के अंदर का ऑर्डर आइटम को दर्शाने के लिए। यहाँ का बीजी डैश लेटी कलर दे देते हैं 200, इससे इसका पट्टी ऊपर का हेडर बन जाएगा। थोड़ा पेडिंग डाल देते हैं 3PY2, देखो। और जो गैप 3 लिखा हुआ है इसको डाल देते हैं, गैप कंसिडर नहीं करते, ठीक है। इसमें जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन लिख देते हैं, इससे क्या होगा एक कोने में ये एक कोने में वो आएगा। देखो ऑर्डर डेट इधर आ गया, ऑर्डर आईडी इधर आ गया। और दूसरा ये कि ये 2XL लिखा हुआ है, इसको एक्सेल कर देते हैं या SM कर दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है, SM जो है वह सेम से। तो इसके आगे लिख दो ऑर्डर आईडी, क्या है इसका ऑर्डर आईडी, वो हैश लगा देते हैं, अच्छा लग गया देखने में ये ऐसे। देखो ऑर्डर आईडी 5, ऑर्डर आईडी 6, ऑर्डर आईडी 7, इस तरह से हो गया। अब ये जो डिलीट बटन है ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब ऑर्डर हो चुका है उसको कोई डिलीट थोड़ी कर सकता है, ऑफकोर्स नहीं कर सकता। तो ये वाला जो डिव है ये हटेगा, वन वाला डिव जो है। इसके बाद देखो ये जो प्लस माइनस हो रहा है, प्लस का बटन माइनस का बटन, वो भी नहीं चाहिए, सिर्फ क्वांटिटी कितना वो बताना बस। तो क्वांटिटी सिर्फ आएगा, आई जो प्राइस है ये हम लोग टोटल करके सिर्फ दिखाएंगे, मतलब हमको कितना रुपए का ऑर्डर पड़ा, तो टोटल सेविंग, टोटल डिस्काउंट, ये सब की ज़रूरत नहीं है, इस डिव की ज़रूरत नहीं है। मोटे मोटे तौर पर एक डिव है जिसमें इमेज है, दूसरा 10 है, तो इसको 11 कर दो तो 12 हो जाएगा टोटल, क्योंकि एक को मिटा दिए, हो गया। तो मोटे मोटे तौर पे ये इस तरह से दिखेगा। अब ये जो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी, ये आपस में गैप बहुत ज़्यादा ले रहा है, इसकी वजह मार्जिन टॉप है, ठीक है। और कोई वजह, हाँ पेडिंग PY, और कोई वजह नहीं, तो ये छोटा हो गया थोड़ा सा। बीच में जो ये देखो गैप आ रहा है वाइट रंग का, ये एक साथ हो जाएगा, तो यहाँ जो गैप 5 लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं, काम ख़त्म, ठीक है। और ये दोनों जो कॉम्बिनेशन बना रहा है, पेयरिंग कॉम्बिनेशन बना रहा है, बीजी स्लेट ही अभी भी सटा नहीं, दोनों साथ में मार्जिन टॉप कहीं लगा हुआ है, या बॉटम, या गैप, ये गैप नहीं होगा, देखो हो गया सट गया। तो एक डब्बा ग्रे कलर का जो ऊपर पट्टी, वो हेडर की तरह काम कर रहा है और ये बॉडी की तरह काम कर रहा है। अब नीचे फूटर की तरह, यहाँ टोटल अमाउंट दिखाने के लिए, या स्टेटस कैंसिल हुआ या नहीं हुआ वो दिखाने के लिए। और जो यहाँ का गैप था, ये ज़रूरत था, ये इमेज को और टेक्स्ट को अलग करता है, तो वो ज़रूरी था। अब जो पार्ट है बॉडी का, उसमें थोड़ा सा बॉर्डर लगा दो, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा, अच्छा ऐसे
इसके अंदर वाला नहीं, बाहर वाला से करो। ये यहाँ पे से देखो, अब जो एरिया है बॉर्डर तो लगा दिए, एरिया जो पेडिंग की वजह से बढ़ी है, तो पेडिंग हमको यहाँ से हटा देना है, नहीं डालना। देखो परफेक्ट। और यहाँ गैप लगा दो 5 का कम से कम, ताकि एक डब्बा दूसरे डब्बा से अलग हो जाए। एक डब्बा दूसरे डब्बा से अलग हुआ, नहीं हुआ, इससे बाहर वाला एरिया में लगेगा, मतलब यहाँ इफ फ्लिक्स फ्लिक्स डैश कॉल और गैप। देखो एक डब्बा दूसरे डब्बा से अलग, तो डिज़ाइन में एकदम चेंज हो गया। और ये देखना है कि मॉडल में हम लोग ऑर्डर का डेट स्टोर किए हैं कि नहीं किए, क्रिएटेड डेट किए हैं, तो इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑर्डर कब बना, क्रिएटेड डेट, देखो डेट आ गया। ठीक है, इधर ऑर्डर आईडी आ गया, इधर डेट आ गया। अब नीचे का एरिया में ऑर्डर का टोटल अमाउंट दिखाना है, तो देखो इसका जो हेडर एरिया है वो मेरा ये है, इसका जो बॉडी एरिया है वो मेरा ये है। ठीक है, तो हमारा जो ई लूप ख़त्म होने के बाद इस लूप के अंदर ये वाला जो डिव है, ये है मेन बॉक्स का, इसी में यहाँ पर एक और बीटी डैश, मान लो इसका नाम रख ले, इसका रख लेते हैं ग्रे डैश 400। एक मिनट, जेंगो है, एस्टिमेट कर लेते हैं ये 400। अब इसके अंदर में हम लोग अमाउंट वगैरह सब बता सकते हैं। ठीक है, तो अमाउंट वगैरह बताने के लिए हम लोग ने क्या किया, बीजी ग्रे के अंदर में 3 बॉक्सेस बनाए, सब टोटल शिपिंग कॉस्ट और टोटल, तो शिपिंग कॉस्ट नहीं एक्चुअल में जीएसटी डालना है हमको। ठीक है, तो जीएसटी सब के लिए वेरिएबल मेरे पास है बना हुआ, तो हम वही यूज़ करेंगे। तो पहले इसका डिज़ाइन देख लो, ये करेंसी यहाँ पे जो है ना हटाना है, करेंसी नहीं काम करेगा, सब बना हुआ है मेरे पास, खाली यूज़ करना है हमको। वेरिएबल्स अभी डायनेमिक हुए नहीं है, ये सब हटा दिए, ये सब ऐड वैड सब हम किए हुए हैं, तो मेरे पास सब है, खाली नाम सबका चेंज करेंगे हो जाएगा। पर डिज़ाइन देख लो, सब टोटल जीएसटी, सब टोटल जीएसटी और टोटल, तो ये फूटर में सब क्या आएगा, सब वो सभी ऑर्डर के अंदर आएगा, तो हम सबको डायनेमिक करते हैं। देखो तो एक तो तरीका मेरे पास ये था कि हम इसमें फ्लिक्स लगा दें और ये तीनों एक लाइन में आ जाए, और जस्टिफाई बिटवीन लगा दें तो सब एक दूसरे का कोना पकड़ लेगा ऐसे, तो ये भी हम तरीके से कर सकते थे, और ऐसे लंबा लंबी भी कर सकते, तो तीन दोनों दिखा देते हैं, जो पसंद होगा रख लीजिएगा। तो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन में मेरे पास क्या क्या है, गेट टोटल, तो हमको ये वाला टोटल नहीं चाहिए, डिस्काउंट वाला टोटल चाहिए। तो माय ऑर्डर में पहला जो सब टोटल है वो डिस्काउंट अमाउंट के साथ है, तो ऑर्डर आइटम नहीं, ऑर्डर डॉट गेट टोटल, चेक करो इसको, आ गया 3132 रुपये। तो ये जो आया है इसमें थोड़ा सा गैप कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, और आगे रुपी का सिंबल लगाना पड़ेगा, तो रुपी का सिंबल सर्च कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, देखो। ठीक है, और ये स्लैश और डैश लगा देते हैं ताकि वो रुपया जैसा दिखे, दिख रहा है सब टोटल। अब इसको बोल्ड करना है या इसका टेक्स्ट बदलना है, ये सब काम है, तो हम यहाँ टेक्स्ट जैसे सेंटर लिखा है, उसका टेक्स्ट जैसे एक्सेल लिख देते हैं, ओ अंदर तो एसएम लिखा हुआ था, एक्सेल लिखने का फ़ायदा नहीं, ये एसएम जो लिखा हुआ है, फॉन्ट डैश बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा मोटा हो जाएगा, देखो। ठीक है, और सब टोटल एक साथ के लिखा हुआ है। जीएसटी को अब निकालना है, तो इसके लिए मॉडल में मेरे पास फंक्शन था, वो क्या करते थे, गेट टैक्स। ठीक है, बस इसी के सब को यूज़ करना है और काम हो जाएगा आपका। तो टैक्स अमाउंट को सामने भी रुपी का सिंबल होगा, और लास्ट में स्लैश डैश, और उसके बाद तीसरा चीज़ जो है वो है पेबल अमाउंट, कितना रुपया पेमेंट किया हो, तो उस ऑर्डर से कितना रुपया पेमेंट किया है, ऑर्डर और ये पेबल अमाउंट, ये टोटल। ठीक है, तो इसलिए पेबल टो अमाउंट, अच्छा पेमेंट तो कर चुका, तो पेबल लिखने की कोई ज़रूरत थोड़ी है, पेमेंट नहीं रहता था तो। देखो तो ये तीनों चीज़ का इन्फॉर्मेशन है, अब तीनों में गैप वगैरह जो लगाना है लगा देते हैं, सब टोटल में गैप 4 था, इसमें भी गैप 4 डालेंगे। ठीक है, और रुपी का सिंबल वगैरह नीचे वाला में नहीं है, कॉपी स्लैश
देखो तो सब में आ गया, टोटल अमाउंट भी आ गया, सबका आ रहा है अलग अलग। ये 38 रुपये का ऑर्डर है, ये 354 रुपये का ऑर्डर है, ये सबका अमाउंट ऑफ ऑर्डर आ गया। तो ये उस किसका ऑर्डर आ रहा है, ये जो बंदा लॉगिन है उसका ऑर्डर आ रहा है, दूसरे का लॉगिन का ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो ये जो ऊपर में लिखा हुआ माय ऑर्डर, इसमें गिनती करके बता देते हैं। तो ऊपर चलो जहाँ माय ऑर्डर लिखा हुआ है वहाँ ऑर्डर डॉट ऑर्डर्स डॉट काउंट, चार ठीक है, कितना ऑर्डर है टोटल गिनती कर लो। और कुछ डायनेमिक करना है इसमें? जवाब नहीं, सब ठीक है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे है क्वांटिटी लिखना है, क्वांटिटी कौन सा है। तो एक दो चीज़ें यहाँ पे हैं बची हुई, इसको खोलो, और ये क्वांटिटी है तो उसके आगे लिख दो QTY, और जो टेक्स्ट एक्सेल लिखा हुआ है इसको SM कर दो, और टेक्स्ट डैश लेडी डैश 400 कर दो ताकि रहे बस छोटा सा दिखे। और इधर से गैप का आ रहा है वो जो PX लिखा हुआ है इसके वजह से, देखो ठीक है। अब ये क्वांटिटी वन हो गया, इसके अलावा हमको कैटेगरी वगैरह भी चाहिए होता है, हम उसके लिए भी काम कर लेते हैं। तो कैटेगरी क्या है, तो ऑर्डर आइटम डॉट कैटेगरी, नहीं ये नाम नहीं है, एक मिनट देख लो। तो ऑर्डर आइटम के अंदर, आइटम के अंदर जाना होगा ना, ऑर्डर आइटम से आइटम, हाँ, और आइटम से कैटेगरी, ठीक है। तो हम लोग इसी पाथ को यूज़ करेंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। तो ऑर्डर ऑर्डर आइटम डॉट कैटेगरी, देखो फर्नीचर 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 मोबाइल फर्नीचर, तो सबका कैटेगरी अलग अलग दिख रहा है। अब इसका गैप कंसिडर कर दो ताकि वो चिपक चिपक के जो आ रहा नहीं आए, और ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे, तो हो गया यहाँ पे क्लियरिटी है कि हम लोग यहाँ पर अपना इन्फॉर्मेशन सब दिखा दिए। तो ये तैयार हो गया मेरा माय ऑर्डर का पेज, और इसको यहाँ पे लिंक लगा देना इस जगह पे, ठीक है। तो ये मेरा लॉगिन करने के बाद, क्लिक करने के बाद दिखता है, इसमें छोटा सा एक आइकन चाहिए था, इसको बोलते हैं कैरोवेन, नीचे की तरफ दिखता है, इसको मोटाई को थोड़ा पतला कर दो अच्छा लगेगा, कॉपी करो और इसको लेकर आ जाओ हेडर में जो कि इंक्लूड के अंदर दिखेगा, और ये यहाँ पर ये क्लास के अंदर, हाँ ये देखो ये यूज़र का नाम आता है, उसके जस्ट बगल में तुमको कैरोवेन दिखा देगा, ठीक है। इससे क्या होगा पता चलेगा, देखने वालों को लगेगा कि हाँ यहाँ पर क्लिक करना है, देखो है ना, तो वो एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, डिज़ाइन एडजस्ट कर लो, बस हो गया। तो ये जैसे ये इसका पैरेंट ये है, आइटम सेंटर लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा शायद इसमें स्पेस स्पेस का दिक्कत है, बस ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो हाई लिखा हुआ है, उसके बाद जो आदमी लॉगिन किया उसका नाम आता है, इसी तरीके से यहाँ पे उसका नाम आएगा, ईमेल आईडी आता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। और यहाँ पर इस जगह पर डैशबोर्ड आ रहा है, वैसे इस जगह पर सेटिंग आ रहा है, तो यहाँ लिखो माई ऑर्डर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर माई विश लिस्ट, ऐसे कुछ कुछ लिख सकते हो, और लॉगआउट का बटन, ठीक है। तो लॉगआउट का बटन दो बार हो गया है, अंदर भी है बाहर भी है, तो बाहर वाला को अंदर वाला के साथ कनेक्ट कर लो, मतलब यहाँ से लिंक करो, हटा दो इसको, हटा दो और यही लिंक को यहाँ लगा दो, और जो माई ऑर्डर का लिंक है वो यहाँ से डाल दो, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज URL, और इस जगह पर लिखो ऑर्डर डॉट सॉरी यूज़र डॉट ऑर्डर, देखो सीधा उस पेज में आ गया। वापस से होम पेज पे देखो, होम पेज पे हमें यहाँ से क्लिक किया और माय ऑर्डर पे क्लिक कर दिया, पहुँच गए। तो यहीं से लॉगआउट का भी बटन है मेरे पास, तो हम लॉगआउट भी हो सकते हैं। तो हम लोग के पास ये क्लिक करके हम दिखाने की ये कोशिश कर रहे थे कि इस पर है मेन्यूज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने यहाँ पर ई कॉमर्स का अभी तक काम यहाँ पर कम्प्लीट किया है, और कार्ड का पेज का खाली डेटा को यहाँ पर डायनेमिक करना है जो कि चार दिख रहा है आपको, और उसके बाद बाकी चीज़ें, ठीक है। तो जो कार्ड का लिंक है इसमें चार दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, हटा दो और लिखना माय कार्ड ऐसे, और जो बीजी ऑरेंज वगैरह लिखा हुआ है वो हटा दो,
टेक्स्ट कलर हटा दो और इसके बगल में यहाँ पर आइकन लगा दो कार्ट का, तो कार्ट का आइकन ये रहा। इसको थोड़ा पतला करो, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लो और कॉपी कर लो। कॉपी करके इसके अंदर आओ और ये स्पैन में डाल दो, ख़त्म करो। ये जेंगो एचटीएमएल, जेंगो से एचटीएमएल में कन्वर्ट कर लो स्पैन, और ये डाल दो माई कार्ट। और जो इसका पैरेंट है यानी ये, इसमें फ्लिक्स डालो, आइटम सेंटर डाल दो, गैप टू, देखो इसको चारों से बॉर्डरिंग कर दो ताकि ये अलग दिखे। तो बॉर्डर देखो, देखो इसमें पी एक्स लगा दो पेडिंग, थोड़ा सा ये दाएं बाएं चौड़ा हो जाए, देखो परफेक्ट दिख रहा है। और इसका जो वो वाला ऊपर वाला पार्ट है उसको भी तुम ऐसे बॉर्डर कर दो ताकि ये एक दोनों आपस में एक जैसा दिखे। तो ये है उसका एरिया और ये हो गया बॉर्डर जो कि हम लोग लगा सकते हैं। और पी एक्स टू पी वाई टू यही लगाए थे उसमें, सेम सेम डाल दिए, ठीक है। और इसमें राउंडेड किया हुआ है तो उसको हटा देते हैं, राउंडेड डैश फुल। अब देखो एक जैसा दिखता है कि राउंडेड है, मतलब पूरा नहीं है, एलजी है, देखो ठीक है। तो देखने में थोड़ा सा इसका साइज़ थोड़ा बड़ा, इसका साइज़ छोटा लग रहा है टेक्स्ट की वजह से। इसमें जो टेक्स्ट है उसका साइज़ क्या है, एस एम है, और इसमें जो टेक्स्ट है उसका साइज़ क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ डिस्क्राइब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट डैश एक्स एस एम हो गया बराबर। अब ये देखो माई कार्ट का पेज और ये मेरा अलग अलग पेज जाने के लिए। तो ये माई ऑर्डर अभी तक काम कर रहा है और काम कर रहा है तो दिख भी रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने इसको, और इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट ऐड करके आइएगा तब ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। तो फिर करेंगे आगे का काम, तब तक के लिए बाय।